नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि मान लीजिए आप किसी भी फ़ोन का फोल्डर चेंज करते हैं और पहले जैसा, जैसे कि यहां पे अभी मेरे पास एक फ़ोन है, वो है एमआई का 5A फ़ोन और इसके अंदर जो फोल्डर जो लगा हुआ वो बेहतर फिनिशिंग है। यहाँ साइड देख सकते हैं, फुल फिनिशिंग है। और हम जब अलग से मान लीजिए कोई सा भी नॉर्मली डिस्प्ले ला के लगाते हैं, फोल्डर ला के लगाते हैं, तो सेम उस तरह से नहीं बैठ पा जाता, बैठा रहता है, कहीं यहाँ से अलगा हुआ रहता है तो इधर से सही से नहीं बैठ पाता। तो उसी का आज कारण बताऊंगा फ्रेंड्स, क्या होता है जो सही से नहीं बैठ पाता है। चाहे फोल्डर कोई सा भी हो, ओरिजिनल हो या कॉपी हो, उससे कोई बहस नहीं है। फोल्डर जो है बस सेम पहले जैसा ही बैठेगा यदि आप ये ट्रिक अपनाइएगा तो मेरे साथ इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि इसको हम कैसे चेंज करते हैं ताकि इजी वे पहले जैसा फिनिशिंग मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब हम फोन की तरफ। सब्सक्राइब करें रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, यहां पे जो है सबसे पहले आपको करना क्या है, फोन को जो है यहां पे ओपन कर लेना है। चलिए यहां पे सिम ट्रे को हम निकाल लिए हैं और यहां पे जो आपको बैक पैनल निकालना है। चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपको बैटरी निकाल लेना है। यहाँ पे जो है बैटरी आपको सही से निकालना है ताकि बैटरी के अंदर छेद ना हो, वरना बैटरी आपका ब्लास्ट हो सकता है। बैटरी को लिए हैं निकाल। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सर्किट को निकाल लेना है। चलिए दोस्तों, हम निकाल लिए हैं इतना सामान। उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो है आपको मैं बता दूँ, इसका जो है मेरा टच डिस्प्ले दोनों टूटा हुआ है, तो यहाँ पे जो है हम विदाउट मशीन पे डाले हुए जो है यहाँ पे निकालेंगे। चलिए हम इसको हॉट गन के माध्यम से निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, यदि आपके पास सेपरेटर मशीन है तो उस पर भी रख के खोल सकते हैं, या सेकेंड में जो है हॉट, मान लीजिए इसका जो है डिस्प्ले टूटा हुआ है तो आप हॉट गन के माध्यम से भी खोल सकते हैं। वैसे मैं सेपरेटर मशीन पर तीन चार पाँच मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तब तक के लिए वीडियो में इतना देर पॉज रखूँगा। तो यहाँ पे जो है तकरीबन वही 3 मिनट प्लस मेरा हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिनट प्लस टाइमिंग हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से हटाते हैं। थोड़ा सा जो है बॉडी मेरा हीट हो चुका है, तो यहाँ पे चलिए हम इसको, ये जो है डिस्प्ले का फ्लैप है वो हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, यदि मान लीजिए आपका डिस्प्ले सही है अंदर का, तो कोई गार्ड पतला वाला इस टाइप का जो गार्ड होता है उसके माध्यम से आप निकाल लीजिए, नहीं तो मेरा तो टूटा हुआ वैसे भी। तो चलिए हम इसको यहाँ पे इसको इस तरह से करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही हीट हो चुका है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम इस तरह से लगाते हैं साइड से। यहाँ पे इस साइड से म
मान लीजिए आपका यदि डिस्प्ले सही है तो इतना जोर ना लगाएं, बिल्कुल प्यार से निकालें। तो यहाँ से जो है कुछ इस तरह से आपको कर लेना है, निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं ये निकल चुका है। तो वैसे भी ये डिस्प्ले इस तरह से भी निकालने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एमआई का डिस्प्ले सब थोड़ा सा ज़्यादा ही मजबूत होता है। मान लीजिए जैसे सैमसंग का है तो उसको बहुत प्यार से निकालना होता है, लेकिन एमआई का जो फ़ोन का डिस्प्ले होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही सहन कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो वैसे मेरा बेकार है, इस बहुत सारा डिस्प्ले में मैं बनाता हूँ जो कि मान लीजिए डिस्प्ले सही है तो टच अपने उसी मशीन के जरिए चेंज कर लेता हूँ, बट इसका तो फोल्डर ही पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो अब जो है यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको इस फ्रेम को बहुत बढ़िया से साफ कर लेना है। यदि आपके पास मान लीजिए ग्लू रिमूवर वाला ये मशीन है तो इसके जरिए मान लीजिए, देखिए दोस्तों वैसे ये फर्स्ट बार इस फ़ोन के अंदर से ये जो निकला हुआ है फोल्डर वो पहली बार, तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कचरा नहीं बना हुआ है, बट मान लीजिए दोबारा जब लगने के बाद जो है इस ग्लू के माध्यम से हम लोग मान लीजिए इस पेस्ट के माध्यम से हम लोग लगाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा बन जाता है। तो या तो आपको ब्लेड के माध्यम से या तो इस तरह से एक ग्लू रिमूवर के माध्यम से आपको साफ़ कर लेना। वैसे हल्का फुल्का है तो दोस्तों हम यहाँ पे कर लेते हैं साफ़ इस तरह से हल्का सा, तो यहाँ पे जो भी है कचरा वो निकल जाता है और बेहतर फिनिशिंग आता है दोस्तों। बस यही हम लोग गलती करते हैं जिसके कारण सही से फिनिशिंग नहीं हो पाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है, वैसे पहले से ही साफ़ था मान लीजिए, लेकिन कोई आप इससे पहले मान लीजिए जैसे कि हम लगा दिए दोबारा जब आप इसे चेंज कीजिए तो इस पर जो है बहुत ज़्यादा ही कचरा लगेगा, तो इसको आपको बढ़िया से साफ़ कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हम साफ़ कर दिए हैं, अब इसके बाद जो है आपको कर लेना है यहाँ पर फोल्डर को। तो मेरे पास फ़िलहाल तो फोल्डर है दो पीस पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो था इससे पहले वाइट था, बट मेरे पास वाइट फोल्डर नहीं है तो चलिए हम इसको ब्लैक ही लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये ब्लैक फोल्डर में लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, फोल्डर निकालने के बाद जो यहाँ पे आपको सबसे पहले फोल्डर को चेक कर लेना है दोस्तों कि कहीं फिर मेरा फोल्डर डैमेज तो नहीं है। मान लीजिए डैमेज रहता है तो फोल्डर भी, मान लीजिए डिस्प्ले टूटा हुआ रहता है तो कुछ नहीं सुना जाता है, बट मान लीजिए टच में या तो हल्का फुल्का कुछ फॉल्ट है तो वो आगे सुन लिया जाता है। तो इससे पहले हम इसको कर लेते हैं चेक, और चेक कर सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ चेक करके कि सही वर्क कर रहा है या नहीं। ऐसा भी होता है बहुत फोल्डर नया में भी डैमेज होता है जिसके कारण सही वर्किंग नहीं कर पाता है। आपको इस तरह से पत्ते को मोड़ के और आगे की तरफ ले लेना है दोस्तों। चलिए हम इसको भी लगा लेते हैं, ये डिस्प्ले फ्लैप है। उसके बाद हम बैटरी को लगा के तो फोन जो है मेरा वो ऑन हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। अब आगे जो है हम टच को चेक कर लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे जो है कुछ लिखा हुआ है इसलिए सही से नहीं दिख रहा है दोस्तों कैमरा में। यहाँ पे जो है फ़ोन जो है ये ऑन हो रहा है, ऑन हो भी चुका है, देख सकते हैं बैटरी लो है, लेकिन यहाँ पे जो है इसका टच सही वर्क कर रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो है टच सही वर्क कर रहा है, आपको टच चेक कर लेना है।
तो इसमें जो है बैटरी लो है थोड़ा सा दोस्तों, इसके बाद मैं चार्ज करके आपको दिखा दूँ। वैसे टच मेरा चेक हो चुका है दोस्तों, तो अब इसको हम फिटिंग करते हैं दोस्तों। फिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ये ट्रिक अपनाना होगा दोस्तों, फिटिंग के समय ही बेस्ट ट्रिक ये होता है जो कि फोल्डर जो है फिनिश अच्छा फिनिशिंग मिलता है दोस्तों। चलिए हम इसको यहाँ से कर लेते हैं फिर से बस। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मेरा फोल्डर सही है, तो चलिए हम इसको यहाँ से कर लेते हैं रिमूव। उसके बाद जो है इस ग्लू को आपको चारों साइड से लगाना है दोस्तों। इस तरह से आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान रहे कि चारों साइड में जो साइड है वहाँ पे मान लीजिए आपकी यदि आपका टच टूटा हुआ है तो पहले का जो है कुछ कण रह सकता है और आप जो नया वाला डिस्प्ले या फोल्डर लगाते हैं वो आपका टूट सकता है। तो यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि पहले वाला कुछ बचा ना हो, उसको आप सही से हटा लें, ठीक है दोस्तों, वरना आपका जो है फोल्डर वो डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे जो है चारों साइड से हम लगा दिए हैं ग्लू को, अब जो है यहाँ पे कुछ करना तो यहाँ पे जो है फोल्डर को आपको सही से बस वही सेम तरीका अपनाना है। यहाँ पे लगा दिए हैं दोस्तों, इसको जो है यहाँ पे हम बैठा लेते हैं अपने टच पत्ते को, ठीक है दोस्तों, ये बैठ चुका है। अब इसको पीछे की ओर कर देना है और यहाँ पे जो है अब आप थोड़ा सा फास्ट हाथ कीजिए, क्योंकि मान लीजिए वो जो ग्लू लगाए हैं वो आपको जल्द से जल्द रबर से बांधना होता है ताकि सही से आपका फोल्डर जो हो फिनिश हो सके दोस्तों। तो आगे जो है मैं बताऊँगा आपको कि वो रबर आप कैसे लगाएँ ताकि आपका फोल्डर का जो है सही तरह से बैठ जाए। अब जो है आपको बैटरी को बैठा देना है इसके अंदर, बैटरी निकालने में थोड़ा सा यहाँ पे जो है पीछे वाले सर्किट को आपको बैठा देना है दोस्तों। यहाँ पे अक्सर मैं निकाल देता हूँ ताकि मान लीजिए हीट होके आपका जो है ये ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं निकाल देता हूँ। आप जो है फिटिंग करते समय दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि एंटीना पेट सबको सही से लगा दें, वरना नेटवर्क का प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बैठा दिए हैं, अब जो है थोड़ा सा फास्ट मैं इसको स्क्रू टाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सारा इसको मैं टाइट कर दिया हूँ, अब जो है इसको मैं
इसे बैठाने के बाद जो है दोस्तों बैटरी मेरा थोड़ा सा लो है। अब जो है यहाँ पे आप जैसे रबर बैठाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ फोल्डर, बैटरी मेरा लो हो चुका था इसलिए बीच में नहीं चेक कर पाया, बट आप चेक करके ही लगाएं दोस्तों क्योंकि दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे जो है फोल्डर जो है मेरा लग चुका है, देख सकते हैं सही है, पूरा पूरी सही है दोस्तों, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आपको करना है रबर लगाना है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों रबर लगाते समय जो है सबसे पहले आपको दो रबर ऊपर की तरफ लगाना है, यहाँ से कुछ इस तरह से, और यहाँ पे जो है आपको इस तरह से ये दो रबर पहले लगा देना है यहाँ पे, और इस साइड से भी आपको लगाना है देखिए इस तरह से। चाहे कोई सा भी फ़ोन हो, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, कोई सा भी फ़ोन हो, तो दो रबर आपको इस तरह से लगाना है ताकि ये ऊपर दोनों साइड का ये हो जाए। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से लगा देना है रबर, देख सकते हैं ये रबर भी लग गया है मेरा। और यहाँ पे ध्यान रहे कि बीच में कुछ ना रहे दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, मान लीजिए बीच में कुछ रहेगा तो आपका फोल्डर जो है वो क्रैक हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे फिर से जो है मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, थोड़ा सा जितना टाइट हो सके उतना बढ़िया है, और इतना टाइट करने के चक्कर में अपना फोल्डर भी ना तोड़ ले दोस्तों। यहाँ तो मैं चार चार पाँच पाँच बार दोहरा दे रहा हूँ, तो दो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ये जो है वर्क कर रहा है। एक और रबर चलिए लगा देता हूँ, तो दोस्तों आप जो है कुछ इस तरह से फोल्डर को बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं फोल्डर जो मेरा बन के कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। अब इसको जो है तीन चार घंटा के लिए छोड़ देना है दोस्तों, और उसके बाद जो है रबर हटा के अपना थोड़ा सा साफ कर देना है साइड से जो ग्लू लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।